हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो रफ्तार की साइड से है। तो मिक्स विद वासुदेव के साथ एक कॉन्वर्जेशन देखने को मिला है रफ्तार का, जिसमें बात होती है म्यूजिक से रिलेटेड। कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछा गया इसमें, पूरा एकदम क्लीन कॉन्वर्जेशन है। तो जो भी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहता है वो ये कॉन्वर्जेशन जाके देख सकता है। बहुत ही सही बातें की गई है इसमें। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो कृष्णा की साइड से है। तो एक हिप हॉप पेज है जिसकी तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला था। तो उस पोस्ट में ब्रोदावी और कृष्णा के कोलैबोरेशन के बारे में बात करी जा रही थी। तो उसके नीचे बिग बर्ड ने कॉमेंट करा है और कुछ ऐसा लिखा है, व्हेन वी ड्रॉपिंग आर ट्रैक। तो कृष्णा और बिग बर्ड का बहुत ही जल्दी ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जिसमें बिग बर्ड की बीट होगी और कृष्णा का रैप। तो ये बहुत ही सही ट्रैक होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बिग बर्ड का म्यूजिक सुना है तो पता ही होगा आप लोगों को, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कृष्णा ने एक स्टोरी डाली है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है, इफ़ क्रूक सेड आई किल्ड इट यूर ओपिनियन डजेंट मैटर। तो कृष्णा को DM आया है क्रूक का और उसमें उन्होंने अप्रिशिएट करा है कृष्णा के वर्स को। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो एमीवे बंटाई की साइड से है। तो ये काफ़ी पुरानी अपडेट है। तो आप लोग को याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले 2019 में EMA अवार्ड्स हुआ था MTV की तरफ से, जिसमें एमीवे को मिला था बेस्ट इंडिया एक्ट का अवार्ड। तो उसकी जो ट्रॉफी थी वो अभी जाके एमीवे को डिलीवर हुई है और उन्होंने एक पोस्ट डाली है जो कि कुछ ऐसी है, बेटर नाउ देन नेवर, इट रीच्ड मी आफ्टर 2 ईयर्स बट इट्स ग्रेट फीलिंग टू होल्ड दिस फाइनली। तो मुझे भी काफ़ी अच्छी तरीके से याद है कि मैंने 2 साल पहले ये अपडेट दी थी 2019 में कि एमीवे ये अवार्ड जीता है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। इसके अलावा एमीवे जो है वो आज रात को लाइव भी आने वाला है अपने इंस्टाग्राम से, तो आप लोग चाहो तो उनका लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो रणवीर पाजी की साइड से है। तो रणवीर पाजी के कुछ फ्री स्टाइल वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें काफ़ी रैपर्स की फीचरिंग होगी। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी डाली है रणवीर पाजी ने और उसमें कुछ ऐसा लिखा है, आफ्टर जयपुर नेक्स्ट सिटी चंडीगढ़, 2 रैपर्स ऑलरेडी डन, चंडीगढ़ रैपर्स DM मी फास्ट एंड बुक योर स्लॉट, 2 freestyle रैपिंग वीडियो कन्फर्म विद ऑफिशियल भगत एंड सेक्सो बीट। इसके अलावा अगर पॉसिबल हुआ तो इनके 2 स्टूडियो सेशन भी होने वाले हैं रॉपसी और नीतीश के निक के साथ में। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है, तो वेट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो चीरफाड़ की साइड से है। तो चीरफाड़ ने जो डिस्ट्रैक आउट करा है एमीवे और हेलक के लिए, उसको अभी काफ़ी सही रिस्पांस मिल रहा है और साथ ही चीरफाड़ ने अनाउंस कर दिया है उनका सेकंड डिस्ट्रैक, जो कि ड्रॉप होगा 100K व्यूज़ पे, जो कि एंग्री मॉन्स्टर का ही राउंड 2 होने वाला है। तो देखते हैं, अभी 50K व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं उस ट्रैक पे। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो रायचू बेला और पतंग म्यूजिक की साइड से है। तो रायचू का जो डिस्ट्रैक आउट हुआ था उसके बाद से काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या पूरा सीन हुआ है ये रायचू ने अपनी स्टोरीज में बताया है, तो यहाँ पे आप लोग वो स्टोरीज देख सकते हो। हेलो बॉयज, व्हाट अप, गुड मॉर्निंग। तो यार सीन हो गया कुछ शॉर्ट एंड दीज 2 पीपल आर इन करेंटली जेल और द रीज़न इज समवन कमेंटेड इन माई डिस सॉन्ग की रायचू भाई लाइक लव्ड योर सॉन्ग या फिर मजा आ गया एंड यू गॉट फैक्ट्स टू बी। तो वो बंदा उन्हीं के लाइक घर के आसपास का था, तो उसको उठा के इन लोगों ने मारा पूरा और लेटर ही टुक एक्शन और उसने FIR की, क्योंकि ऐसे किसी को क्यों मार सकते हो भाई बिना रीज़न। तो पुलिस टुक देम। तो सिंपल, डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक इंटरनेट गैंगस्टर, बहुत ईजी होता है अभी यहाँ पे जैसे मैं हूँ, हाँ तेरी भाड़ दूंगा, दिस डजंट हेल्प इवन। और मिले भी स्टोरी डाली थी, तुमने देखा होगा कि धमकी टाइप की थी, मतलब यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ समवन ना। तो कोई शॉर्ट नहीं है। बाकी यार दिस मे बी अ वो फॉर everyone कि ऐसा ना ही करो तो बेटर है। और बाकी डिस सुनो यार, फैलाओ यार, क्या कर रहे हो यार। तो अभी बेला जो है वो रिलीज हो चुका है और उनकी तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली है। This life is a fucking prison. तो एक स्टोरी में बेला कुछ ऐसा लिखता है, तो भैया कल की कथा यह है कि कुछ चूतिये मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइल आई एम चिलिंग ऑन माई होम, और मुझे बस इतना कहना कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप फूलिंग अराउंड, ग्रो अप। अगर भसड़ होती है तो जेल जाना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, अगली बार और बढ़िया कोशिश कर, जी तुम्हारी फटी है बेला की नहीं, #पिकाचू। फेक गैंगस्टर्स मत बोल, तेरी तो थाने में टट्टी निकल जाएगी, जेल शब्द बोल ही मत, बाकी मेरी फैम सब लोग चिल करे खुश रहे, अब ना कोई चूतियों की बातें मेरे तक लाना वरना सीधा ब्लॉक, मेरे साथ हो मेरे रहो वरना खिलाफ ही मानूंगा, यही हूँ मैं, आज खुल के बोलता हूँ उखाड़ लो #रोक लो। तो यही कुछ सीन हुआ है, आप लोग का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगली खबर जो है वो MC Stan की साइड से है। तो MC Stan का जो ट्रैक आउट हुआ है ब्रो किस अ जोक, वो अभी YouTube के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है 2nd नंबर पे।
तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो चैनके की साइट से है। तो आप लोग को याद होगा कि चैनके ने योयो हनी सिंह को फॉलो कर लिया था इंस्टाग्राम पे, और ये उन्होंने क्यों करा था, क्योंकि योयो हनी सिंह ने तलहा अंजुम को फॉलो कर लिया था इंस्टाग्राम पे, और चैनके को ऐसा लग रहा था कि इनका भी कोलैबोरेशन आ सकता है, और हनी सिंह के साथ अगर तलहा अंजुम का कोलैबोरेशन आएगा तो वो ट्रैक वल्गर ही होगा। तलहा अंजुम की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, तो वो ट्रैक वहाँ पे भी चलेगा और वहाँ का भी सीन खराब होगा पूरा। तो फिलहाल हनी सिंह को अनफॉलो कर दिया चैनके ने, और शायद वो अब हनी सिंह में घुस के फटने वाले नहीं है। आप लोग का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट्स में बताना। तो अब कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो जस्टिन बीबर और किड लरोई की साइड से है। तो इनका जो ट्रैक आने वाला है उसका ऑफिशियल पोस्टर ड्रॉप हो चुका है, तो ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे, और ये जो ट्रैक है वो 9 जुलाई को सुनने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो पॉप स्मोक की साइड से है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पॉप स्मोक की पोस्ट ह्यूमस एल्बम आने वाली है, तो पॉप स्मोक की जो मदर है वो अभी जाके स्टूडियो में हेल्प कर रही है इंजीनियर्स को उस एल्बम को फिनिश करने में, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करवा रही है जो कि एल्बम को और अच्छा बनाएगा। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। आप लोग का इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।